नमस्कार दोस्तों जय हिंद मैं विशाल दुबे फैकल्टी ऑफ साइंस आप सभी का डब्ल्यू डी एस सोल्जर्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं सभी बच्चे बहुत जल्दी से लाइव आ जाइए जो बच्चा लाइव नहीं है एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दे पेज को शेयर कर दे जिससे कि सभी बच्चे बहुत जल्दी से समय को बर्बाद ना करते हुए लाइव आ जाए आज देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं अतुल यादव राम राम बेटा देखो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एम हैं ठीक है और कोई डिस्कशन नहीं होगा बहुत ज्यादा लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन आए ठीक है तो आज हम लोग साइंस के एमसीक्यू करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा ठीक है आप लोग बहुत जल्दी से लाइव आ जाइए जो बच्चा लाइव नहीं है एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को उदय प्रताप सिंह ठीक है जय हिंद सभी बच्चे बहुत जल्दी से लाइव आ जाइए देखिए सर्कल का पेपर हार्ड था हाँ कल का पेपर बच्चे बता रहे कि बहुत ज्यादा हार्ड हो गया इसी वजह से हमने क्या किया है कि हमने आज पेपर नहीं लाए हैं बच्चे बता दिए 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 कल आप बहुत ज्यादा हार्ड करवा करवा यूपीएससी का पेपर जी डी की तैयारी करके आर्मी जी का एग्जाम दे सकते हैं क्या एस एस की तैयारी करके आर्मी जी का भैया पेपर लगभग सेम ही होता है बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है लगभग पेपर सेम ही होता है जिस वजह से आप क्या कर सकते हो दे सकते हो कल एन का पेपर करवाइए एन का कल पेपर करा रहे थे तो बच्चे बता रहे कि पेपर सर इतना टफ करा दिया कि लग रहा है कि यूपीएससी का पेपर कर रहे हैं हम तो कल बच्चे बता दिए ऐसा कमेंट कर दिए तो हमने सोचा कि भाई आज एग्जाम पेपर नहीं लाते हैं ठीक है अच्छा कल का पेपर एवन था लेकिन कुछ बच्चों को इतना हार्ड लगा वो हमसे ये कह रहे कि यूपीएससी का सर पेपर कंडक्ट करा दिए आप चलो कोई नहीं क्लास को आज स्टार्ट करते हैं ठीक है अब बात तो बहुत ज्यादा हो गई है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कौन सा होता है बताइए वास्तविक होता है तथा सीधा होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है काल्पनिक तथा उल्टा होता है द इमेज फॉर्म भाई कॉन्वेक्स मिरर जो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है बताइए जल्दी से कमेंट करके बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका सही आंसर होगा इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर बहुत जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बता दीजिए कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा इसका आंसर ठीक है क्या बच्चे कमेंट कर रहे अमेजिंग दानापुर आर्मी के 25 जुलाई और 29 जुलाई को एग्जाम कैंसिल हो गया है हाँ कुछ एग्जाम कैंसिल हुए बच्चे बता रहे हैं कि कुछ एग्जाम्स जो थे वो कैंसिल हो गए हैं ठीक है अभी इसका मुझको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि क्या सही है ठीक है नहीं अभी कंफर्म नहीं हुआ कि एग्जाम कौन सा कैंसिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लेकिन कुछ तो हुआ है ठीक है कुछ बच्चों के पास कॉल भी गई है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है देखिए ये जो उत्तल दर्पण द्वारा जो होता है ना कॉन्वेक्स मिरर द्वारा वो क्या होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है सी होगा इसका काल्पनिक तथा सीधा होता है सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है दोगुनी होती है आधी होती है तिगुनी होती है और ठीक है और बताइए चौथा ही होती है बताइए इसमें से क्या सही होगा कंफर्म है सर है अच्छा ठीक है जल्दी बताइए क्या होगा इसका सभी बच्चे कमेंट करके बताइए द फोकस द फोकल लेंथ ऑफ एस्पेरिकल ठीक है द फोकल लेंथ ऑफ एस्पेरिकल मिरर ऑफ अ रेडियस बताइए जल्दी से कमेंट करके आधी होती है बिल्कुल सही ए इज द कर्फ सचिन कुमार खाने विशाल आधी होती है. बिल्कुल सही क्या होती वो हाफ होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार का किया जाता है किस दर्पण को यूज किया जाता है जो सेविंग वगैरह की जाती है विच मिरर इज यूज फॉर सेविंग सेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग तो एक बार देखिए बहुत आज की ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे ना किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की बहुत जल्दी से सभी बच्चे एकदम कमेंट करके बता दीजिए कौन के मिरर बता रहे हैं कौन के बी होगा ठीक है कौन होगा जल्दी से कमेंट करके एक बार बच्चे सभी बता दीजिए बिल्कुल सही क्या होगा कौन के राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत नहीं अच्छा एक बार आप लोग कमेंट करके एक बार ये बता दीजिए कल जो पेपर हम लोगों ने किया था एने का क्या उसका पीडीएफ आप लोगों को मिला था हाँ बी होगा बिल्कुल सही है एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बता दीजिए कल जो हम लोगों ने एने का पेपर किया था क्या उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिला था टेलीग्राम चैनल नहीं आप देखिए जिस बच्चे को नहीं मिला है ना देखिए सभी बच्चे कह रहे हैं जिसको मिला, यस सर, यस सर। अगर एक बच्चे को मिला सबको मिलना चाहिए ठीक है जो बच्चा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है वही मिलेगा उसको भी पीडीएफ मिलेगा आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा जाता है द्रव का अपेक्षित गणत मापा जाता है देखिए बताइए जो लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो किसमें मीजर की जाती है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अच्छा मेरा नाम लीजिए जोश आ जाएगा है। देखो बच्चे क्या, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं बहुत जल्दी से बताइए मैथ्स क्लास कब चलता है अब आजकल तो मैथ्स का क्लास अभी नहीं चल पा रहा है बहुत जल्दी से बताइए द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड बाय ठीक है तो क्या होगा बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मंटू यादव जयिंद बेटा ठीक है बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देखिए आगे बढ़ते हैं आइए बताइए दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कुछ आपको आते भी होंगे ठीक है और कुछ क्या होंगे आप यहाँ पर सीखेंगे ये वही एमसीक्यू है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, बहुत जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है लेक्टोमीटर बिल्कुल सही है ठीक है क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बात क्लियर है ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ मोटर व्हाकल इज प्लेस ठीक है कौन सा जो इन फ्रंट ऑफ क्या अच्छा इसमें से कौन सा मिरर जो होता है वो लगा रहता है ठीक है ये फोर ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं उत्तल दर्पण अपतल दर्पण समतल दर्पण एक लेंस कौन वैक्स मिररर कौन के मिरर और बहुत जल्दी से ये कमेंट करके आप लोग बता दीजिए नहीं आज ऑप्शन कम डिस्कस करेंगे आज जल्दी से पेपर करेंगे बहुत ज्यादा आज हमारे पास क्वेश्चन हैं ठीक है इस वजह से आज ऑप्शन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और ये डिस्कस भी क्या बच्चों को सभी को आता होगा ये ठीक है इसका आंसर क्या होगा कॉनवेक्स मिरर ठीक है क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर होता है जो हम गाड़ियों के सामने लगे होते हैं ठीक है, है जिससे क्या होता है वो मिरर लगाए जाते हैं उसमें ये साइड मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है रियर व्यू मिरर ठीक है नेक्स्ट देखिए फोटोग्राफी कैमरे का Trust होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोटोग्राफ कैमरा जो फोटोग्राफ कैमरा होता है उसका इसमें से कौन कौन सा होता है कॉन्वेक्स होता है मिरर होता, होता है या फिर लेंस होता है जल्दी से एक बार कमेंट करके आप सभी बच्चे बता दीजिए क्या होता है कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव होता है लेंस होता है मिरर होता है बहुत जल्दी से बिल्कुल सही क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है हाउ डज एन इनर बबल इन द वॉटर वर्क ये किस तरह से वर्क करता है बहुत जल्दी से बताइए आप लोग दिवांकर कुमार डी अमित, अमेजिंग सूरज मंटू सभी बच्चे बताइए एक बार लेंस क्या हो गया डी बिल्कुल सही कॉनकेब डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देखो वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है मापी जाती है द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड ये देखिए सारे जो क्वेश्चन है ना हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखे हैं जिससे कि आप सभी लोग बहुत जल्दी से बता दीजिए वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है किसमें मापी जाती है बहुत इजी क्वेश्चन है क्या होगा इसका आंसर एकदम सही सभी फौजी एकदम मेरे सही कमेंट कर रहे हैं इसी तरह से बस पढ़ते रहिए आप लोग सभी सिलेक्शन ले लीजिए अच्छा इज़ द राइट बेटा राइट की स्पेलिंग डब्ल्यू आर आई टी <laughs> ठीक है ए इज द राइट आंसर देखो डब्ल्यू नहीं होता है राइट आर आई जी एस टी होता है भैया ठीक है भूकंप मापी यंत्र होता है दस इसमो मीटर इज बताइए कौन सा होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए दुबे जी जय हिंद बेटा बहुत जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका देखिए कोई भी आज टफ क्वेश्चन नहीं होगा कल का टफ इस वजह से नहीं होगा कल तो मैं पेपर देख के बच्चा बता रहा है कि यूपीएससी का पेपर करा दिया क्या होगा ए इज द राइट आंसर ठीक है सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर जिस किसमें नापा जाता है भूकंप के जो यंत्र तो होता है वो सिस्मोग्राफ के थ्रू तो किया जाता है तो इनकी तीव्रता मापी जाती है द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वो किसमें नापी जाती है बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट करके एक बार आप लोग बता दीजिए बहुत इजी क्वेश्चन देखिए ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है क्या होगा इसका सही आंसर बिल्कुल सही अच्छा आज किसी को क्वेश्चन तो टफ नहीं लग रहे एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आज क्वेश्चन तो टफ नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है ना सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं राहुल कह रहे योर फेस इज सिमिलर टू माई फादर पेपर कैसा आएगा पेपर बहुत इजी आएगा पेपर टफ नहीं देगा आप सारे लोग एकदम हमारे फौजी जो हैं वो एकदम फौजी बन के आएंगे रिकॉर्ड तोड़ के आएंगे गारंटी है इस चीज की बहुत अच्छा पेपर आएगा नो डाउट देखिए जो बच्चा पढ़ा है उसके लिए पेपर कभी देखिए टफ नहीं होता है ठीक है और क्या पूछेगा टफ में यही सारी चीजें पूछेगा ना जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे बाहर क्या जा सकता है एकदम चटनी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट देखिए मानव रेटना पर बना प्रतिबिंब होता है इमेज फॉर्म ऑन द ह्यूमन रेटिना इज़ बताइए तेजा पनवार बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मानव रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है रियल एंड इनवर्टेड क्या होता है रियल और इनवर्टेड भैया उल्टा बनता हमारी पे. है हमारी रेटिना पे क्या बनता है उल्टा बनता है अर्जुन सर मेरा भी नाम विशाल है बहुत अच्छी बात है ठीक है रियल एंड इनवर्टेड नेक्स्ट देखिए आप लोग जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है ठीक है बताइए वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू पार्लर मिरर्स, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बिल बी कितनी होगा बताइए जल्दी बिल्कुल सही क्या होगा वो होगा। सभी का एकदम सही आंसर आ रहा क्या होगा इनफाइनेट होगा नेक्स्ट देखो हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ठीक है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू द हार्ट रेट ठीक है गायरोस्कोप

ठीक है क्या होगा सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायुमंडल दाब की माप की जाती है एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोमीटर बाय मोनोमीटर बाय ओडोमीटर बाय बोरोमीटर देखिए ओडोमीटर भी इसमें ऑप्शन में दे दिया बच्चा देखते ही बोल देगा ये नहीं ये तो जिंदगी में नहीं हो सकता ऑटोमीटर कैसे हो सकता है बहुत जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बाई बोरोमीटर द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मीजर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किस में मीजर किया जाता है ये फॉर ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए इलेक्ट्रोमीटर बाई मोनोमीटर ऑडोमीटर तो क्या होगा ठीक है तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बाई बोरोमीटर नेक्स्ट देखिए आप लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है ठीक है इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट स्कैप बिटवीन द लेंस एंड द सेंटर ऑफ द लाइट आउट ऑफ द फोकस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एट द इंफिनिटी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है सर रट लिए क्वेश्चन बस पढ़ने की दिली टेलीग्राम लिंक सर जी बेटा टेलीग्राम जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं बिल्कुल सही सभी बच्चों के आ रहे हैं ठीक है बिल्कुल सही क्या होगा ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत नेक्स्ट देखिए आप लोग अमोनिया गैस बनाने की हैवर विद में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बताइए जल्दी से। सराज पंडित जी जी आजाद का जन्मदिन है भाई बहुत क्या बताएं उनके बारे में बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छी जितना बोला जाए उनके बारे में उतना कम है ठीक है विद कैटलिस्ट इज यूज इन दैवर मैथड ऑफ द मेकिंग द अमोनिया गैस आयरन क्यूप्रिक क्लोराइड प्लेटिनियम पाउडर निकल जल्दी से कमेंट करके आप सारे बच्चे एकदम बता दीजिए इसका क्या सही आंसर होगा किसका प्रयोग किया जाता है विच कैटलिस्ट इज यूज इन दैवर मेथड मेकिंग द अमोनिया गैस ठीक है किसका देखो आयरन कैटालिस्ट का, का मतलब आयरन उत्प्रेरक का सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चूड़ हो जाएगा ए इज द राइट भैया निकल नहीं होगा ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चूड़ का किया जाता है आयरन कैटालिस्ट का मैसेज रिट्रैक्टेड जो बच्चे का आंसर गलत आ गया मैसेज रिट्रैक्टेड कर देते आप लोग बहुत अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है पायरोमीटर से सिफोनोमीटर से से एनि, एनिमोमीटर से विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मीजर द ब्लड प्रेशर ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए सूरज रंजन श्याम जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सिर्फ मेनोमीटर होता है देखिए ट्रांसफार्मर का कोड होता है कि नर्म लोह का ठीक है निकेल का तामा का स्टेनलेस स्टील का जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए ठीक है नर्म लोहे का द कोर ऑफ द सॉरी द कोर द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ ठीक है क्या होता है सॉफ्ट आयरन का होता है ना बिल्कुल सही इज द राइट आंसर फॉर दिस सभी बच, सभी फौजियों को हमारे लगता है कि एकदम क्वेश्चन रट के आए हुए हैं आज भी एक भी क्वेश्चन खाली नहीं जाने देंगे अभी तक देखा है कि लगभग एक ही क्वेश्चन आप लोगों का लगभग गलत हुआ है और सभी आंसर सही आ रहे हैं बोल राज चौबे जी ठीक है तेजा बिल्कुल सही सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है नेक्स्ट देखिए ट्रांसफार्मर के सिद्धांत प्रकार करता है चुमकी प्रेरण से सिद्धांत के ठीक है विद्युत चुमकी प्रेरण के नियम से ठीक स्व so, प्रेरण के सिद्धांत से इनमें से कोई नहीं ऑन वॉट प्रिंसिपल इज द transformer बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द लॉ ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ इंडक्शन नन ऑफ दीज सभी बच्चे इसमें कमेंट करके बताइए अच्छा आपका एक गलत हो गया बहुत जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है तो क्या हो जाएगा ऑन द लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बी इज द राइट आंसर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर भैया ये काम करता है नहीं जानते हो तो जान लो रट लो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन

ऑक्सीडाइज और रिड्यूज टू डी सी वोल्टेज ए सी टू ऑक्सीडाइज एंड जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा ए बच्चा कमेंट कर रहा है एसी से डीसी करता है क्या ट्रांसफार्मर जो आपके यहाँ लाइट आती है ट्रांसफार्मर से वो एसी टू डीसी होता है क्या आपकी जो सारी चीजें डीसी से चलती है फ्रिज आपका डीसी से चलता है डीसी टू एसी ट्रांसफार्मर कैसे भैया बच्चे डी डीसी टू एसी डी को लॉक किया जाए बिल्कुल सही सूरज सूरज आपका आंसर बिल्कुल सही जो बच्चा डी कमेंट कर रहा है उस सभी का आंसर सही है रेक्टिफायर एसी टू डीसी बिल्कुल सही है वो भी क्वेश्चन है अभी क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वो एसी वोल्टेज को क्या करता है रेगुलेट करता है भैया ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा अल्टरनेटिव जो करंट होता है उसको क्या करता है रेगुलेट करता है डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देखिए पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर कहलाता है ऑडियोफोन कहलाता है हाइड्रोमीटर कहलाता है और हाइड्रोफोन कहलाता, है, कहलाता है जल्दी से बताइए पढ़ाई बेटा कर लो डी फोर दुबे ठीक है पेपर पास नहीं हुआ तो दुबे अंडर कॉल्ड क्या कहा जाता है नूर आलम अमेजिंग रंजन ठीक है क्या कहा जाता है हाइड्रोफोन कहा जाता है डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखिए लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है ये चार ऑप्शन इतने बड़े बड़े आप लोगों के सामने दिए गए हैं कृपया आप लोग एक बार बहनों और भाइयों पढ़ लीजिए और फिर जवाब दे दीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक बार रीड कर लीजिए आप लोग द एनर्जी चेंज इन द लाउड स्पीकर इज फ्रॉम साउंड टू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू साउंड एनर्जी गुड ठीक है फ्रॉम साउंड टू इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू साउंड जल्दी से एक बार भैया आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा राजू कुमार अंजन डी नूर आलम डी हमारा जो साउंड स्पीकर होता है वो क्या करता है पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है फिर मैकेनिकल वो होती है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो बी इसका सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन भैया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस यंत्र क्या हुआ वाहन ठीक है किस यंत्र में आंतरिक ऊर्जा सदैव ऊर्जा में परिवर्तित होती है बताइए जल्दी से बहुत जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए बिल्कुल सही बादल सिंह सूरज अमेजिंग श्याम अमित नूर आलम बिल्कुल सही डी इज द राइट आंसर ठीक है डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ही? युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू द मैकेनिकल एनर्जी द फोर ऑप्शन इज गिविन इज दसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल मोटर इंडक्टर जल्दी से आप लोग बता दीजिए बताइए सर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है पच्चीस जुलाई को नहीं होगा हाँ कुछ बच्चों के पास कॉल गई है कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है लेकिन कुछ बच्चों के पास कॉल नहीं गई है कुछ बच्चों के पास तो कॉल गई उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया बताया कि सर कॉल आई है मेरे पास क्या सभी बच्चों के पास कॉल गई है एक बार जो जिसका पच्चीस जुलाई को एग्जाम था एक बार कमेंट करके बताइए क्या सभी बच्चों के पास अभी कॉल गई है या नहीं गई है ठीक है क्या होगा सी इज द मोटर हो जब यह इलेक्ट्रिक मोटर होता है ठीक है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है मोटर बदलता है विद्युत मोटर ठीक है श्रीनगर का हो गया है आप लोगों को कॉल नहीं आया है हम वही चल रहा है किसी के पास कॉल गई है किसी स्टूडेंट के पास नहीं कॉल गई पता नहीं क्या हो रहा है पता चलेगा अभी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है द कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी ये जो केमिकल एनर्जी होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज होती है चार ऑप्शन दिए गए डायनेमो के थ्रू इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू ठीक है बैटरी में या फिर परमाणु बम में बहुत अच्छी क्वेश्चन है जल्दी से आप लोग एक बार बता दीजिए सी को लॉक किया जाए बैटरी बच्चे अच्छा बैटरी भी भेजते रहे बहुत अच्छे कोई बात नहीं देखिए पेपर आपका पोस्टपोन हो जा रहा है कोई इशू नहीं लेकिन आप लोग पढ़ाई इसी तरह से करते रहिए पढ़ाई में कोई नहीं वो नहीं चाहिए कमी आप पढ़ाई अच्छा करेंगे पेपर आज नहीं कल होगा जैसे ही पेपर होगा आप लोग एकदम पहले से ही प्रिपेयर होंगे तो जब बच्चा पहले से ही एकदम प्रिपेयर होगा क्या करेगा पेपर में जाएगा पेपर को एकदम फाड़ के आएगा एकदम मतलब अच्छा करके आएगा और वो सिलेक्शन लेके आएगा सी बिल्कुल सही सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पढ़ाई नहीं बंद करनी है पेपर पोस्टपोन हो गया कोई बात नहीं मेरे फौजी हो लेकिन क्या करना है पढ़ाई कंटिन्यू करनी है देखिए रेडियो फायर का प्रयोग किया जाता है ठीक है द रेडियो फायर इज यूज ये फोर ऑप्शन आप लोगों के सामने गिवेन है जल्दी बता दीजिए फायर नहीं रेक्टिफायर होना चाहिए था भैया रेक्टिफायर क्या होना चाहिए था रेक्टिफायर हाँ जिसका हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है जिसका हो जा रहा है देखिए टाइम पे पेपर अगर कंडक्ट हो जाता है टाइम पे रिजल्ट आ जाएगा टाइम पर रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों की जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग वगैरह वो सारी चीजें टाइम से होंगी अगर डिले होता है तो सभी चीजों में एक साथ डिले होता है बता दीजिए एक बार तो जो रेक्टिफायर होता है उसका क्या वर्क होता है थर्टी डी डी बिहार या नहीं हो रहा है अच्छा बिल्कुल सही क्या करता है ये जो रेक्टिफायर होता है ठीक है वो क्या करता है एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है किसमें एसी से डीसी को कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर का वर्क होता है देखिए रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो एसी वोल्टेज को क्या करता है वो रेगुलेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में केवल डीसी में एसी तथा डीसी दोनों में किया जाता है इनमें से कोई नहीं आप लोगों को इसका जवाब देना है ओनली एसी ओनली एसी बहुत अच्छे एकदम आप लोग इसी तरह से एकदम जोश बना के पढ़ाई करते रहिए बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सारे लोग एकदम कमेंट करते हैं अच्छे से पढ़ाई करते हैं सभी बच्चों की बहुत अच्छी बात तो ये होती है अपनी क्लास में कि सभी बच्चों के आंसर लगभग सही होते हैं ठीक है कोई कोई क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो रहा है लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सभी बच्चों के एकदम क्लास में सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं ठीक है तो एक बार बता दीजिए फिर हाउस द जोश ठीक है नेक्स्ट देखिए बिल्कुल एकदम आप लोग एकदम जोश को एकदम क्या करिए एकदम हाइक पे रखिए जैसे कि आपका जैसे पढ़ाई हो ठीक है देखिए है जो भी काम करिए एकदम मन लगा के करिए सिद्धत के साथ ठीक है पेपर क्या है ये आर्मी क्या चीज है सब कुछ मिलेगा आपको बस आप सिद्दत के साथ करिए ठीक है बताइए द एनर्जी फ्लोइंग इन अ टेलीफोन लाइन कौन सी होती है जो एनर्जी फ्लो होती है टेलीफोन लाइन में वो एनर्जी क्या कहलाती है कौन सी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है साउंड एनर्जी रेडियो एनर्जी अच्छा आप कहां पर है आप वाराणसी से हैं अगर आपका फिजिकल हो जाता है तो आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे मोस्ट वेलकम ऑलवेज मोस्ट वेलकम डियर ठीक है जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन सी एनर्जी जो होती है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है बिल्कुल सही हंसराज बिल्कुल बी को लॉक किया जाए देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है भैया वो फ्लो होती है बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट अच्छा देखिए शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है व्हाट टाइप ऑफ द एनर्जी इज कंटेंड इन द ड्राई सेल बताइए इसमें से जो सेल होता है उसमें किस तरह की जो ऊर्जा होती है कंटेंट होती है रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहां पर होगी बैटरी से संबंधित होगी बैटरी में क्या होती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी का सोर्स सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिल्कुल सही सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे फौजियों नेक्स्ट देखिए कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी को अच्छा वही क्वेश्चन है देखिए एक क्वेश्चन को कितनी तरह से वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत है जी, कुछ भी नहीं है इंस्ट्रूमेंट हैज द हायर ए सी लोअर वोल्टेज टू ए सी एट और दिलो वोज ए सी वोल्टेज टू हाई ए सी चेंज इन द वोल्टेज सभी को पता है सभी को आंसर सही होना चाहिए सभी बच्चों के एकदम मेरे आंसर सही होना चाहिए देखिए भाई किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्या होगा डी को लॉक किया जाए डी पंकज सॉरी क्यों भाई राइट कर रहे हो आप ठीक है डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए धावन छोड़ा देखिए थोड़ा सा कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं ठीक है ये हमने एक दिन क्लास भी ली थी उसमें हमने कुछ केमिकल नेम वगैरह बताए थे आप लोगों को ठीक है ये वहां से देखिए अभी जो मेरी साइंस की कल मैंने पेपर कराया था नर्सिंग असिस्टेंट का उससे पहले मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी अब उसी से हमने कुछ पेपर ले लिया है कुछ क्वेश्चन लिए बताना वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाई और सोडियम क्लोराइड जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कौन सा इसका सही आंसर होगा ठीक है सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही ठीक है सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एक बार इसका फॉर्मूला भी आप लोग जल्दी से बता दीजिए वॉट इज द फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बहुत जल्दी से आप लोग बता दीजिए एन ए टू थ्री सोडियम कार्बोनेट बेटा सोडियम कार्बोनेट है एन ए टू थ्री टेन एस टू ओ ठीक है क्या होता है एन ए टू सीओ थ्री टेन एस टू होता है भैया राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट के आगे बात क्लियर है ना वेल डन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी रेटिनॉल एस्कॉर्बिक एसिड कैल्सिफेरॉल और डोटोकोफेल एस्कॉर्बिक एसिड मिथिका ठीक है हंसराज, निशु, किशोर नूरालम डिजिटल वॉइस ठीक है क्या होगा एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का अच्छा ये विटामिन सी से अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है जल्दी कमेंट करके बता दीजिए आप लोग स्कर्वी हो जाता है बिल्कुल सही है क्या हो जाता है स्कर्वी हो जाता है ठीक है स्कर्वी हो जाता है ठीक है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स बता दीजिए बहुत अच्छे ठीक है क्या होता है आंवला होता है सर एग्जाम कैंसिल हो गया है एग्जाम कैंसिल हो गया है लेकिन पढ़ाई नहीं रोकनी है पढ़ाई नहीं रोकनी है ठीक है आप लोगों को अपने जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं के क्या करनी है? उन्हीं के प्रोपोर्शन में वर्क करनी है जैसे मैथ में आपने प्रोपोर्शन पढ़ा होगा मान लो ये आपके फादर हैं ठीक है या फिर आपके ये पेरेंट पेरेंट्स हैं इसी के प्रोपोर्शन में आपका वर्क होना चाहिए अगर आपके पापा आपके लिए सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई कम होनी चाहिए जाके खूब नाचो नाचना नहीं है भैया पढ़ाई करनी है मान लो दो दिन बाद पेपर हो जाएगा तब क्या करोगे आप लोग ठीक है देखिए रतौंदी किस विटामिन की कमी से होता है आपको ने, नेवी की तैयारी करनी है आप नेवी की तैयारी करिए देखिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी अगर ये कोई क्वेश्चन गलत कर रहा है ना तो उसको उसी के घर पे आके बेटा वो तो फिर ठीक है क्या होगा बिल्कुल सही विटामिन ए एक बार विटामिन ए का केमिकल नेम बता दीजिए विटामिन ए का केमिकल नेम बता दीजिए आप लोग जल्दी से क्या होता है रेटिनॉल ठीक है कौन राइट कर रहा है भैया विटामिन का कैलसीटामिन रेटिनॉल होता है भाई मेरे प्यारी फौजी कैसे काम चलेगा रेटिनॉल नेक्स्ट देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड का क्लोरोप्रिकोन मीथेन और ओजोन बताइए <laughs> गाजर बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का गुड लाफिंग गैस बता दीजिए एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए लाफिंग गैस जो होती है भैया क्या होती है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही एक बार इसका फॉर्मूला भी बता दीजिए मान लो ये नहीं आया तो एन टू ओ होता है ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होता है एन टू ओ होता है देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है बताइए भैया द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है वेल well डन सभी बच्चों के एकदम सही आ अंशु राजू रंजन चंदनी कुमारी सूरज सी को लॉक किया जाए सी को लॉक किया जाए बच्चे सी तीर्थराज प्रिया साक्षी हनी विशाल ठीक बहुत अच्छे क्या है C -S -C -S half है ठीक इज द राइट आंसर नेक्स्ट विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है देखिए अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया लो वही क्वेश्चन आ गया अभी यही तो डिस्कस किया था विटामिन सी का आंवला होता है ठीक है ठीक <laughs> है सभी का सही आ रहा है एकदम बहुत अच्छे डन क्या होगा चंदनी न्यूरालम आलम विशाल एफ आलम देखिए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है विटामिन सी की कमी से विटामिन ई की कमी से विटामिन बी वन की कमी से ए की कमी से बताइए एक बार बिल्कुल सही सभी बच्चों के एकदम आंसर सही आ रहे हैं क्या बात है गजब ठीक है किसकी विटामिन बी वन की कमी से क्या बेरी बेरी रोग हो जाता है अच्छा विटामिन सी की कमी से ई की कमी से ए की कमी सभी के बता दीजिए एक बार सभी का बता दीजिए मेरे प्यारे फौजियों एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा सभी की कमी से बताइए इसकी कमी से क्या होगा इसकी कमी से क्या हो जाएगा इसकी कमी से क्या हो जाएगा सी की कमी से इस भी हो जाएगा बी फॉर बेरी वेरी अच्छा देखिए इसकी कमी से तो पता ही है आपको स्कर्वी हो जाएगा ठीक है विटामिन ए की कमी से इनफर्टिलिटी हो जाएगा ठीक है जिसको क्या बोलते हैं बांझपन बोलते हैं इनफर्टिलिटी क्या बोलते हैं बांझपन बोलते हैं जनन क्षमता कम हो जाती है ये भी बोल सकते हैं बांझपन बोलते हैं ठीक है विटामिन ए की कमी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है एक बार पेपर में क्या दिया था एक बार पेपर में दिया विटामिन ए की कमी से होता है अब बच्चा ब्लाइंडनेस देखा उसको ऑप्शन कर दिया लेकिन यहाँ नाइट नहीं था वहां पर कलर था बहुत बच्चों ने एक क्वेश्चन गलत किया था वो कलर लिखा था कलर ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस डिफरेंस होता है ठीक है नेक्स्ट देखिए वसा में गुलंदशील विटामिन होते हैं बताइए वसा में कौन कौन से विटामिन होते हैं जो गुलंदशील K... होते ए डी के बताइए जल्दी से कमेंट करके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं जी डी 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 मुनीष पंकज विशाल सूरज शिवप्रकाश क्या होगा रॉबिन राजपूत हंसराज ठीक है भैया सभी होते हैं ये जितने भी विटामिन होते हैं सभी के सभी ये विटामिन जो होते हैं वसा में गुलंदशील होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ठीक है वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं बी एंड सी बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स ठीक है एने, एने पूछेगा सर भैया एने क्यों नहीं पूछेगा एने क्यों नहीं पूछ सकता है पूछेगा एने Amazing. सर जी मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे भैया आपके कमेंट्स आ रहे थोड़ा स्पीड से चले जाते तो पता नहीं चलता है ठीक है इट इज मतलब विटामिन कौन से, होते? होता है, होता है, दोनों में से कोई नहीं बहुत जल्दी से बहुत इजी क्वेश्चन है कोई भी इसमें बिल्कुल सही क्या होता है ये दोनों होते हैं हो, दोनों का आंसर सी आ रहा है तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप लोग विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है वही बार बार ठीक है विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ठीक है, है। देखिए नेक्स्ट विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या ये अच्छा क्वेश्चन है बताइए ये स्टार बना के कौन बच्चा भेज रहा है बार बार इतना बड़ा स्टार बनाने की क्या जरूरत भाई ए ए ए बच्चे कमेंट कर रहे विटामिन ए है बेटा बिता। सॉरी विटामिन बी है ए थोड़ा ना है ठीक है क्या होगा हाइमीन I mean. देखिए नेक्स्ट विटामिन ए का रासायनिक नेम बताइए अरे वही रेटिनॉल होता भाई बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नेम क्या है ये अच्छा क्वेश्चन है बताइए बहुत जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या सही होगा जो ये खाने वाला सोडा सोडा होता है या फिर जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं खाने वाला जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए एक बार लास्ट में तैयारी बहुत अच्छे तरह से करनी चाहिए क्योंकि बच्चे लास्ट में आके क्या करते हैं थोड़ा सा गलत कर देते हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ठीक है क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट एक बार इसका फॉर्मूला भी बता दीजिए क्या होता है एक बार इसका फॉर्मूला आप बताइए एन ए एच बिल्कुल सही क्या होता है एन ए एच सी ओ थ्री सी ओ थ्री।, सी ओ थ्री होता है नेक्स्ट देखिए बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र होता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लाइम बिना बुझा चूने का बताइए बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है कृपया लास्ट में तैयारी करने की स्ट्रैटेजी बताइए लास्ट में तैयारी सबसे देखिए तैयारी सबसे जितना भी आपने पढ़ा हुआ है नया कुछ नहीं पढ़ना सबको रिविजन करना है ठीक है जो पढ़ रखा वो गलत नहीं होना चाहिए भाई लास्ट में तैयारी का सबसे अच्छा यही होता है कि जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको जितना जल्दी हो सकता है आप रिवाइज करिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शुष्क बर्फ कहा जाता है द ड्राई आइस इज कॉल्ड ड्राई आइस किसको कहा जाता है सोलिड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन को नाइट्रस ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड सॉरी हाँ सही है बताइए जल्दी से किसको कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ए इज द राइट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है नेक्स्ट देखिए अश्रु गैस का रासायनिक नेम क्या होता है बताइए द केमिकल नेम ऑफ द टियर गैस टीयर गैस जो होती है उसका रासायनिक नेम क्या होता है शिव प्रकाश सर कितनी बार रिवीजन करना है देखिए रिवीजन कितनी बार करना है जितनी भी चीजें आती एटलीस्ट लास्ट में आपको थ्री टाइम तो रिवीजन कम से कम करना ही चाहिए और जितना ज्यादा कर लोगे उतने ज्यादा अच्छा होता है क्या होगा ठीक है सी इज द क्लोरो एसिटोफिन इज द राइट आंसर स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता बताइए इसमें देखिए समय नहीं लीजिए बहुत जल्दी से बताइए आप लोग बाबू ठीक है विकास चंदनी मनीषा क्लोरोस हाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बताइए अमेजिंग राजू निशु तीर्थराज प्रिया साक्षी जल्दी से कमेंट करके बताइए बताइए स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है ठीक है जब मसूड़े वगैरह आपके देखिए स्वेलिंग आ जाती है ठीक है ब्लड ब्लड वगैरह आने लगता है स्कर्वी में ठीक है ब्लड ये सारी चीजें होती है विटामिन सी से नेक्स्ट देखिए विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है बताइए विटामिन डी कल वाला पेपर लगवाइए सर अब ये बताइए एने का पेपर तो अभी फिलहाल में पोस्टपोन हुआ है क्या फिर हम लोग कल या परसों में फिर से लाते हैं पेपर आपके लिए हो सकता है बताइए संडे को इस बार पेपर लेके आए हम एने का पेपर बताइए संडे को एक और करवाया जाए ठीक है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है ठीक सूर्य प्रकाश देखो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है देखो अब विटामिन डी की कमी से पूछा जाता है बच्चों में क्या हो जाता है और बड़ों में क्या हो जाता है मतलब वयस्कों में क्या हो जाता है ठीक है दो क्वेश्चन यहां से आता है अच्छा परसों पेपर है आपकी क्लास निकले से आता बिल्कुल भैया निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा हंड्रेड परसेंट निकलेगा हंड्रेड परसेंट बच्चों में क्या हो जाता है रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया ठीक है ऑस्टो मलेशिया हो जाता है बड़ों में वेस्को में ठीक है देखो विटामिन डी को और क्या कहा जाता है विटामिन डी को विटामिन डी विटामिन डी इज ऑल्सो नॉन एज पुअर्स विटामिन इसको गरीबों का भी वि विटामिन कहा जाता है गरीबों का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है एग्जाम कैंसिल हो गया है बहुत अच्छी बात ठीक है कि गरीबों का विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है विच विटामिन ऑल्सो नॉन एज दुअर्स विटामिन, विटामिन। देखिए नेक्स्ट जिप्सम का रासायनिक सूत्र है बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है बहुत जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए Yeah. बहुत जल्दी से एक बार बताइए तब तक हम देख क्वेश्चन कितने बचे हुए अभी बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जीके की क्लास अभी आपकी होती है हमारे बाद जो क्लास होती है वो जीके की क्लास होती है दो बजे से दो बजे से भैया क्लास होती है नेक्स्ट देखिए भाई देखिए द इम्पोर्ट इंपोर्टेंस और इनफर्टिलिटी बाई द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन नपुंसकता या बद्धता जिसको बोलते किस विटामिन की कमी के कारण होता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बहुत हजी क्वेश्चन है किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए विटामिन ई e की कमी से होता है सी थी। ठीक है अब इसके भैया सोर्स देखिए तो ये पीनट है आपका पीनट बटर वगैरा ठीक है पीनट बटर है ठीक है आपका बीट है ब्रेड है ये सारी चीजें मांस हुई सारी चीजें इसके क्या होते हैं ठीक है, है देखिए नेक्स्ट विरंजक चूड़ का रासायनिक नेम क्या है द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है बताइए बहुत जल्दी से इसको कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर विरंजक छोड़कर रासायनिक नेम क्या है ठीक है क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर ही इसका आंसर होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा एक बार इसका फॉर्मूला भी बता दीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर का जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर का ठीक है सीए सीएल सीएल ठीक है ऐसे या या भी राइट कर सकते हो बिल्कुल सही बात क्लियर है ठीक है नेक्स्ट देखिए साधारण नमक का कॉमन सोल्ट कौन सा होता है सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट क्या होता है सोडियम क्लोराइड एनएसएल होता है क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है एन सी एल ठीक है सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है Na पे प्लस होता है इस पे माइनस होता है ठीक है कैसे प्लस माइनस होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिकेशन के थ्रू जिसका क्या होता है टू एट वन होता है ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्लस आ जाता है सी क्या होता है माइनस होता है टू एट सेवन होता है इसको अपनी ऑक्टेट फुल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एन प्लस होता है सी माइनस होता है ठीक है देखिए विटामिन के का रासायनिक नेम क्या है बताइए विटामिन के का विटामिन के का रासायनिक नेम क्या है अच्छा एग्जाम कैंसिल हो गया आज हंड्रेड क्वेश्चन करवा दो आज हंड्रेड क्वेश्चन बेटा तो टाइप भी नहीं होंगे अभी। हंड्रेड कैसे हो सकते बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसके बाद बस एक क्वेश्चन और बचा है क्या होता है बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बात क्लियर है नेक्स्ट देखिए मार्स गैस किसे कहा जाता है देखिए बताइए मार्क्स गैस किसे कहा जाता है जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग किसे कहा जाता है मीथेन मीथेन बेटा मनीष कुमार बी क्यों टेक लगा रहे हो हाइड्रोजन को कहता है मीथेन को कहते हैं ठीक है सी एच फोर ठीक है देखो एक कार्बन को क्या कहते हैं मिथ कहते हैं और एक कार्बन ठीक है चार हाइड्रोजन इसके साथ लगे होते हैं ठीक है और देखो सभी ये एक कार्बन को क्या कहा जाता है मिथ कहा जाता है सभी सिंगल बॉन्ड से होते हैं जब सिंगल बॉन्ड से होते हैं तो क्या नाम क्या इनका सफिक्स आता है 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 एन तो इसका वर्ड बन जाता ठीक बात क्लियर है एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आज हमारी क्लास कैसी लगी इसी के साथ हम आज की क्लास को ओवर करते हैं ठीक है कल मिलते हैं फिर इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे एकदम जोश बना के पढ़ते रहेंगे अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया तो बल्ले बल्ले ठीक है क्वेश्चन का लेवल कोई भी हो आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ठीक है कि आप जिस जो भी आपको पेपर मिले आप उसके क्वेश्चन को तुरंत आप रिप्लाई कर पाए ठीक है हनी विशाल ठीक है थैंक यू ठीक है सभी को थैंक यू एंड जय हिंद गुड आफ्टरनून स्टूडेंट मैं ब्रजेश कुमार वॉरियर डिफेंस अकेडमी डब्ल्यू डी सोल्जर पे आपका स्वागत करता हूं बच्चों हम लोग अपना जीके जीएस का जो प्रैक्टिस करते थे आज फिर वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो सभी बच्चे भाई जल्दी से आ जाए सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून जय हिंद नमस्कार चलो भाई जल्दी से आ जाओ मुनीश केशव सूरज अर्जुन जागृति हंसराज सुधीर सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून जय हिंद चलिए जल्दी जल्दी आइए फिर हम लोग स्टार्ट किया जाए सभी बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट कर दे रेडी है फिर जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो भी आपको एग्जाम को ध्यान में रखकर पेपर बनाया गया है ठीक है हाँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए बस जल्दी से जुड़िए फिर हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं और जो बच्चों का पेपर है प्रीवियस वीडियो सारे देख लीजिए आपका क्वेश्चन कोई गड़बड़ नहीं होगा आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे ठीक है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे पूछा गया भाई टीपू सुल्तान कहां का शासक था हैदराबाद मैसूर दिल्ली या बीजापुर है, है? है पहले हैदर अली थे फिर बाद में टीपू सुल्तान है ठीक है तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो सुधीर अमरिंद राहुल सभी बच्चों के यहां पर सी आंसर आ रहे हैं क्या हो जाएगा भाई मैसूर के थे तो मैसूर कहां था साउथ में यहां पर ये वाला जो क्षेत्र था वो मैसूर था में ठीक है तो ये यहां पर मैसूर हो जाएगा टीपू सुल्तान से, से पहले इसके पिता कौन थे तो वो हैदर अली थे ठीक है ये याद रखिएगा तो पहले का सभी बच्चों ने यहां पर सही आंसर दिया है अगला क्वेश्चन पूछा भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपको पता है कि ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन के लिए भारत से चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर और कोई पार्टी के सब लोग गए थे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पीडीएफ मिल जाएगा बालक अभी पीडीएफ के लिए मत परेशान हो पीडीएफ में भेज देता हूं पहले आप क्लास कर लीजिए पीडीएफ में भेज दूंगा ठीक है तो गोलमेज सम्मेलन पचपन साठ अड़तालीस तीस कब हुआ था जल्दी से कमेंट करो चलो बहुत बढ़िया तो यहां पर सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं 1930 में हुआ था फर्स्ट वाला हुआ था ठीक है अच्छा जब नाइनटीन फर्स्ट में जब हुआ था क्या नाम है सेकेंड वाला सेकेंड गोल राउंड ये गोलमेज वैसे उसको तो 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 राउंड टेबल कहते हैं ठीक है, है इंग्लिश में गोलमेज हम ऐसे लिख दिए हैं गोलमेज सम्मेलन ठीक है ये याद रखिएगा तो इसमें क्या होता है गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं क्या है गांधी जी गांधी जी भाग लिए इसमें ठीक है अब ये याद रखिएगा और अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज में जाते हैं क्या है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और ये जो गांधी जी जाते हैं राजपुताना जहाज से जाते हैं ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है राजपुताना जहाज से जाते हैं कहा इंग्लैंड ये जहाज है ठीक है ये याद रखिएगा तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये बिल्कुल याद रखिएगा सेकंड में हाँ महात्मा गांधी ने वो पार्टिसिपेट किया और पूछा जाता ऐसा कौन सा नेता जो तो तीनों में भाग लिए मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो उसमें याद रखिएगा कि किसका नाम है भीमराव अंबेडकर का चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं पूछा भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था क्या था गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया डू और डाई वाला ठीक है करो या मरो का नारा दिया मतलब कि भाई ये लास्ट फाइट उनके हिसाब से कि कि भैया ऐसा है कि आप फाइट अच्छे से कर लो इसके बाद आपको कुछ फाइट नहीं करना है तो यही था करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी के समय दिया था और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस आंदोलन के समय तो आप क्या बताओगे भाई भारत छोड़ो कब हुआ था उन्नीस में यहां पर हाँ सही बच्चे यहां पर सही आंसर दे रहे हो क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा चलो अगले प्रश्न पे आते हैं तो भाई आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिली अच्छे से इसको करिएगा गड़बड़ नहीं करिएगा अगला है भाई फोर्थ नंबर क्वेश्चन सती प्रथा सती प्रथा का अंत करने वाले किस मतलब किसका अतुलनीय योगदान रहा है तो आपको पता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इनकी मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक इनकी मदद से भारत से कौन से पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था सती प्रथा को हटवाया था अर्जुन एकेडमी बालक पे, पेपर ऐसे ही आते हो सकता है आपने ज्यादा पढ़ रखा हो इसलिए आपको आसान लग रहा हो ठीक है हमें सभी बच्चों का ध्यान रखना है जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं जो यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे होंगे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अभी इस प्रश्न में भी दिक्कत होती होगी तो प्लीज सभी बच्चों को पढ़ने दें ठीक है हो सकता है कि आपको ऑलरेडी इतना नॉलेज हो ठीक है पर अच्छी बात है आप इतनी जानकारी रख रहे हैं हाँ, तो सती प्रथा तो यहां पर यह याद रखेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से कौन थे भाई राजा राम मोहन राय ये याद रखिएगा क्लियर हो गया ये पूछा जाता है चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं ये क्या लिखा है अमेरिका गांधी अमेरिका क्यों जाएंगे भाई अगला क्वेश्चन पूछा भाई चिपको आंदोलन किसने चलाया था और चिपको आंदोलन जिन्होंने चलाया था वो उनका ही क्या मतलब उनकी डेथ अभी जल्दी हुई है कब 21 मई को हुई थी 2021 अभी जल्दी उनकी डेथ हुई थी तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ठीक है ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हाँ. तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई सुंदरलाल बहुगुड़ा तो इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई अभी 21 मई 2021 को हुई है तो क्योंकि ये करंट की न्यूज़ है इसलिए सुंदरलाल बहुगुड़ा का पूछा जाता है भाई चिपको आंदोलन क्या है सभी बच्चे समझ लो भाई जैसे पेड़ पौधों को काटा जा रहा था पेड़ों को तो पता है भाई जंगल को काटा जाएगा तो वहां के जो लोकल लोग थे उनको पता था कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है इनको सुंदरलाल बहुड़ा जी को पता था तो ये क्या किया कि वहां के महिलाओं और सभी लोगों को क्या किया कि इकट्ठा किया और पेड़ों से चिपक जाने के लिए कहा तो पेड़ों को सबको मतलब ऐसे जैसे गले लगा लिया तो मतलब हट ही नहीं रहते तो वहां से कोई क्या ही पेड़ काटेगा क्लियर है कि नहीं ये याद रखिएगा चलो अगला क्वेश्चन यहां से पूछा कि भाई जो प्लासी यानी पश्चिम बंगाल में हुई थी इसकी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी अठारह सो सत्तावन और सत्रह चलो जल्दी से बताइए हाँ अरे वो जो आप पूछ रहे हो कहा हुआ था वैसे तो वो कहा जाए तो पहले तो यूपी ही था पर वो उस समय उत्तराखंड मतलब आज के समय का उत्तराखंड है ठीक है उत्तराखंड ये याद रखिएगा अब पर उस समय यूपी का ही भाग वो था हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा ठीक है अच्छा बताओ भाई किसके किसके बीच में हुआ तो कोई बता सकता है सत्रह वाला चलो जल्दी से बता दो भाई सत्रह वाला किसके किसके बीच हुआ था कोई बच्चा बता सकता हो तो हमें जल्दी से कमेंट कर दो जरा एक बार देखते कितने बच्चे जानकारी रखते हो अरे सुंदरलाल बोगड़ा हो गया अरे ठीक है जो खुश हो रहे उन्हें होने दो कोई दिक्कत नहीं ठीक है हाँ तो यहां पर है जो प्लासी वाला है आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव और दौला के बीच में हुआ था ये याद रखिएगा ठीक है अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव था जो मैंने बताया हंसराज बिल्कुल ठीक है उन्नीस सौ में जब बंगाल का विभाजन हुआ हुआ तब उसमें वायसराय कौन थे कौन थे आपको ये बताना है हाँ, तो अंग्रेज में कौन था तो अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव थे ठीक है चलो ये क्वेश्चन भाई सभी लोग बताओ जल्दी से बंगाल का विभाजन के समय यहां पर देखो भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन था कर्जन था हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे सभी क्वेश्चन यहां पर हमने रखे है बस अच्छे से आपको यहां पर क्या करना है आंसर करना है ठीक अगले पे हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए कौन से आंदोलन ने सहयोग दिया असहयोग भारत छोड़ो खिलाफत या भूदान आंदोलन भाई बताओ भाई इनमें से कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी मतलब दोनों लोग साथ आए जल्दी से बताओ हाँ मंटू आपने बताया है खिलाफत और बच्चे बताओ भाई हाँ, तो सभी बच्चे यहाँ पर सही आंसर दे रहे जिन बच्चों ने यहाँ पर क्या सी आंसर दिया यानी खिलाफत आंदोलन ठीक है है तो वहां पर पता है कि जो मुस्तफा कमाल पासा थे जो वगैरह के समय उसमें लेकर डिस्प्यूट हुआ था कि खलीफा का पद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए तो खलीफा का पद हटा दिया गया था तो जो विश्व भर के मुस्लिम थे वो नाराज हो गए थे तो यहां पर भी भारत में भी खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था ये याद रखिएगा वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ब्रिटिश संसद का ब्रिटिश सिंहासन का या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मतलब जो यहां पर इंडिया में और बच्चे बताओ जल्दी से हाँ अब इसमें देखो डी मतलब सभी बच्चे इसमें चारों आंसर कर रहे हैं देखते हैं भाई क्या आंसर सही होगा हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई देखो ये ब्रिटिश सिंहासन का यानी ब्रिटेन क्राउन का करते थे क्या थे ब्रिटेन क्राउन का करते थे ठीक है ब्रिटिश क्राउन यानी वहां पर जो महारानी बैठती थी, थी उन्हीं को ठीक है ब्रिटिश क्राउन याद रखिएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा आंसर so महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की बात है जल्दी से बताइए अरे अर्जुन एकेडमी वाला कितने कमेंट क्यों करते हो मैं एक कमेंट पढ़ लेता हूं तो दूसरे बच्चों के भी कमेंट देखने दीजिए क्योंकि स्क्रीन पे आप ही का कमेंट आता है स्क्रीन उतनी बड़ी नहीं है आप एक ही कमेंट करें हाँ चलो जल्दी से बताओ भाई क्या होगा यहां पर तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1920 में ठीक है अब यह भी पूछा जाता असहयोग आंदोलन क्यों खत्म किया गया था जो खत्म हुआ था वो बाद में हुआ था कारण क्या था खत्म होने का वो था भाई चौरा चौरी कांड चौरा चौरी कांड जो है इसमें हुआ क्या था यह यूपी के गोरखपुर में हुआ था यूपी के गोरखपुर में इसमें क्या हुआ था कि भाई बाईस पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे हालांकि तीन और आंदोलनकारियों की भी डेथ हुई थी तो ये याद रखिएगा यहां पर हाँ तो ये पांच फरवरी उन्नीस को हुआ था 1922 को हुआ था ये डेट पूछी जाती है तो 5 फरवरी 1922 क्या हो गई डेट है चोरा चोरी कांड कहा यूपी के गोरखपुर में ठीक तो ये याद रखिएगा और फिर बाद में इसके कुछ समय बाद फिर गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन क्या किया खत्म कर दिया ठीक है अगला प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहा हुआ था दिल्ली एडिनबर्ग लंदन बंबई अर्जुन अकेडमी थोड़ा सा लैंग्वेज सही प्रयोग करो और फर्जी की चीजें कमेंट मत करिए ठीक है पढ़ने आए हो अच्छे से पढ़ो ठीक है सभी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा तरीके से बातचीत करिए कमेंट करिए और क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए भाई क्यों पेपर जब देने जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कहीं अलग से नहीं मिलेंगे ठीक है ये याद रखिएगा तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा भाई लंदन हो जाएगा यानी यहां पर सी हो जाएगा ग्यारह बताया था कि भाई सभी लोग कहां गए थे भाई इंग्लैंड ही गए थे ये याद रखिएगा ठीक अगला जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था पंद्रह अगस्त तेरह अप्रैल बीस जून या उन्नीस जून तो भाई जलियावाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था ठीक है किसको किसको डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं को लेकर बातचीत चल रही थी जलियावाला बाग में अमृतसर में जगह पड़ती है कहां पर अमृतसर में तो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसी से थोड़ा आगे ठीक है उसी में थोड़ा सा आगे जाओगे मुश्किल से तीन चार सौ मीटर पे आपको क्या पड़ जाएगा जलियावाला बाग पड़ेगा चलो ठीक है क्वेश्चन पे ध्यान दो तो सभी लोग भाई हाँ तो यहां पर आंसर सही कर रहे हो तो क्या हो जाएगा भाई तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस तो जलिया वाला कहा मिलेगा अमृतसर पंजाब में मिलेगा ये आपसे पूछा जा सकता है ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कभी कभी लोकेशन भी मैटर करती है आपसे और लोकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है आगे बात सोच में तो यहां पर जनरल डायर ने क्या किया था गोलियां चलवा दी थी जनरल डायर ने गोली चलवाई थी ठीक है और ये भी याद रखना इसी डायर को बाद में उधम सिंह नाम के व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर मारा था ठीक है ये याद किसने के इतने लोगों को, मारा, लोगों को तो हम भी क्या करेंगे उनको मार देंगे तो बाद में उधम सिंह ने इनको मार दिया था ठीक है यह याद रखिएगा चलो अगला क्वेश्चन के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था भारत छोड़ो खिलाफत होम रूल या इनमें से कोई नहीं ठीक है तो चलो भाई जल्दी से बताओ देखो एनी बेसेंट ने जो आंदोलन चलाया वैसा ही आंदोलन किसने चलाया था आपको एक चीज याद रखिएगा वहां पर जब आगे आओगे तो यहां पर आ, इंडिया में ये तो चला ही रहे थे ठीक है फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक भी चला रहे थे हाँ तो यानी कि होम रूल हो जाएगा होम रूल ठीक है यानी एक मतलब खुद से शासन वगैरह की इस पर बात थी ठीक है ये याद रखिएगा तो होम रूल हो जाएगा यहाँ पे प्लासी की लड़ाई तेईस जून सत्रह को अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध की थी नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफर मीर कासिम या पेशवा अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने आपसे ये डिस्कस भी किया था कि भाई जो प्लासी की लड़ाई है वो किसके किसके बीच में हुई थी चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई यहां पर ए आंसर हो गया नवाब सिराजुद्दौला अच्छा इसी युद्ध में जो मीर जाफर नाम का व्यक्ति था इसने क्या किया था इसने धोखाधड़ी कर दी थी किसके साथ सिराजुद्दौला के साथ कर दी थी ठीक है उन्होंने ये सेनापति थे और ये क्या थे अंग्रेजों से मिल गए थे ठीक है एक प्रकार के गद्दार थे मतलब जो अपनी ही सेना से बगावत कर गए ठीक है और युद्ध में कभी भी देखो राजा तो अपने राज्य में रहता है जो सेनापति होता है सेनापति अपनी सेना को देखता है अगर उसने कुछ कह दिया वो अगर मूव कर गया तो सेना उसी का साथ देती है ठीक है तो सेनापति का पद इंपॉर्टेंट हुआ करता था अगला क्वेश्चन प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे भाई एम जी रा पांडुरंग या फिर रामकृष्ण परमहंस यहां पर परमहंस होगा फिर या स्वामी दयानंद हाँ क्वेश्चन ये भी जो आप बता रहे हो भाई एग्जाम वगैरह कैंसिल हुआ बट आगे तो होगा ही तो क्यों प्रैक्टिस करना क्यों बंद कर सकते हैं भाई हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे लकी पंद्रह का बी बताया आपने चांदनी आपने बी बताया अंकित बी हाँ कठपुतली थे पपेट थे एक हिसाब से कह सकते हो बिल्कुल कह सकते हो तो आत्माराम पांडुरंग जो संबंध है किससे भाई प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने आत्मा पांडुरंग चलो यहां पर ये हो गया अगले क्वेश्चन पे आते भाई रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे देखो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बच्चों किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए मैंने बहुत सोच समझ के आपको ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि हिस्ट्री लोग हिस्ट्री नहीं पसंद करते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं गड़बड़ कर देते हैं तो यहां पर देखो भाई सिक्सटीन के बीस कुछ बच्चे बी कर रहे हैं कुछ बच्चे सी कर रहे हैं यानी कि रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कुछ लोग विवेकानंद बता रहे हो कुछ लोग ये बता रहे हैं तो भाई ये तो इनके गुरु थे इन्हीं के लिए इन्होंने तो करवाया था तो आंसर विवेकानंद होगा तो जिन बच्चों ने यहां पर आंसर किया है बी वो सही है हाँ यहां पर मैं देख रहा हूं जैसे जागृति तुषार किशन अंकित ठीक है मलेश आपने भी दिया हाँ तो ठीक है चलो अच्छी बात है इतने लोग सही आंसर करो जो लोग गलत भी करो तो घबराओ नहीं आंसर तो सीख ही रहे हो मेन तो काम है क्या भाई आंसर सीखना अच्छे से पढ़ो अच्छा ये देखो क्वेश्चन अब ज्योग्राफी का आ गया है पूछा गया भाई एक नाथुला दर्रा है उससे व्यापार होता है चाइना के साथ और इसमें पूछा गया है कि भाई ये फिर से शुरू किया गया है तो ये इसकी लोकेशन क्या है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर देखो चाइना से लेकर कितना डिस्प्यूट होता रहता फिर भी व्यापार उसी के साथ होता है हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई नाथुला कहां पर पड़ेगा सिक्किम में पड़ेगा देखो जैसे ये इंडिया है आपका ये ऐसे सिक्किम पड़ेगा ये भूटान पड़ेगा और ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा ठीक है ये इधर बांग्लादेश वगैरह पड़ेगा और फिर ये यहाँ पर ऐसे करके नीचे पूरा भारत ऐसे है ठीक तो यहां पर क्या पड़ेगा आपको नाथुला पास पड़ेगा तो इसी से क्या होता है व्यापार होता है भारत का नाथुला पास इधर चाइना है और ये आपका इंडिया है तो इसी से व्यापार होता है आगे बात समझ में ये याद रखना अगला क्वेश्चन पूछा भाई जो टिहरी डैम है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है सतलज कावेरी भागीरथी या कृष्णा चलो जल्दी से बताओ भाई डैम हाँ, चाइना के साथ देखो ट्रेड हमेशा चलता रहता है इवन पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ पर ट्रेड चलता रहता है पर जब से सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात हुई तब से चाइना उसके पाकिस्तान के साथ बहुत ना के बराबर है मेडिसिन वगैरह जो जाती रहती है वो एक अलग चीज है पर बाकी ऑलमोस्ट अभी ट्रेड बंद है हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई भागीरथी हो जाएगा ठीक है ये याद रखना अच्छा भागीरथी क्या है भागीरथी में अलकनंदा मिल जाए कौन सी अलकनंदा तो ये मिलकर क्या बना लेती है गंगा नदी बना लेती है गंगा नदी बनती है ठीक है कहां बनेगी ये कहोगे आप देवप्रयाग में कहा देवप्रयाग उत्तराखंड भागीरथी में अगर अलकनंदा मिल जाए ठीक है तो क्या बना लेंगे गंगा नदी बना लेंगे ये सभी आप बच्चे नोट कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे मान लो पूछ ले तो आप बिल्कुल बताइएगा तो यहां पर देवप्रयाग ऐसे याद कर लो बैड तो भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलेंगे बैड कर लीजिएगा चल अगले क्वेश्चन पे आते भाई गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कौन सी नदी पर है सतलज रिहन सोनिया ताप्ती गोविंद बल्लभ पंत क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का बताओ मंटू आपने ये बताया लकी बी आर्मी स्टडी बी हम आ गए अच्छा नाम है भाई हम आ गए बहुत बढ़िया चांदनी बी सुधीर ठीक बी, है यहां पर सभी बच्चे बी आंसर कर रहे हो तो किस पे हो जाएगा भाई रेहंद पे हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर अगला बताओ किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है सॉल्ट रिवर ऐसी कौन सी रिवर है जिसको सॉल्ट रिवर कहते हैं क्वेश्चन नंबर बीस का सभी बच्चे आंसर बता दो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दो ठीक है क्वेश्चन आपको मतलब मजा कर रहे हो बढ़िया हो जा रहे ना सभी बच्चे के? सभी बच्चे के क्वेश्चन कर ले रहे हो जल्दी से एक बार कमेंट करो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं बेफिक्र रहो जितने अभी प्रीवियस वीडियो कराया है सभी बच्चे देख लो कोई गड़बड़ नहीं होगी सब बच्चे कर लोगे ठीक है हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल यहां पर हो जाएगा कौन सी नदी लूनी नदी को कहते हैं और ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है कहां तक समुद्र तक नहीं पहुंचेगी ये कच्छ के रन में खो जाती है कच्छ के रन में खो जाती है रन में खो जाती है मतलब समुद्र में पहुंचती ही नहीं है देखो यह है तो यहां से अरावली वगैरह के बगल से निकल के ऐसे, ऐसे बहती है और यहां आके खो जाती है ये कच्छ ऑफ रन है ठीक है ये मतलब रन ऑफ कच्छ सॉरी रन ऑफ कच्छ कहते हैं हाँ कच्छ के रन में ठीक है ये यहां पर गायब हो जा रही है ये याद रखिएगा अगला सरदार सरोवर परियोजना है जो कौन सी नदी से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना हाँ राजस्थान से निकलती है पर वहां तक जाती है रन ऑफ कच्छ वाले क्षेत्र तक हाँ आगे चलकर गुजरात में पहुंच जाती है भाई सरदार सरोवर कितना इंपॉर्टेंट है भाई नर्मदा नदी और आपको पता है इसी नदी के किनारे सरदार पटेल जी की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो एक मीटर की वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये भी याद रखिएगा और आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके बारे में स्टेचू ऑफ यूनिटी तो ये याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल मिलेंगे क्लियर अगले क्वेश्चन भाई ऐसा कौन सा पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है तो जैसे ये इंडिया है तो यहां पर नर्मदा रिवर बह रही है कौन सी नर्मदा और यहां पर एक पहाड़ बचेगा मतलब पर्वत है तो इसी पर्वत का नाम बताना है आपको और फिर यहां पे ताप्ती नदी है कौन सी तापी बताओ भाई कौन सी नदी होगी नर्मदा तापी दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है अरे अरावली नहीं होगा एम दया अरावली कहां से आ अरावली तो बहुत ऊपर है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई सतपुड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा सतपुड़ा देखो एक याद रखो पहले पढ़ती विंध्यन श्रृंखला विंध्यन श्रृंखला आई बात समझ में इसके बाद पड़ती है नर्मदा नदी कौन सी नर्मदा फिर इसके बाद पड़ती है सतपुड़ा श्रेणी सतपुड़ा ठीक है इसकी ये पर्वत है इसके बाद फिर नदी बहती जिसका नाम है ताप्ती या तापी नदी तो ये याद रख लो ऐसे क्रम है ये सीक्वेंस है हाँ अगला भाई कावेरी नदी कौन से दो राज्यों के बीच में स्थित है वैसे तो वो अलग डिस्प्यूट है पर इसमें से कौन से ऐसे दो राज्य जहां पर कावेरी नदी का फ्लो होता है खान भाई आपने ए आंसर दिया है ठीक है उसका क्या था ए आंसर नहीं जो भी था सतपुड़ा था सतपुड़ा आंसर था सी वाला तेईस का बताइए गुजरात महाराष्ट्र होगा नहीं आपके पास केरल कर्नाटक या कर्नाटक तमिलनाडु आंसर हो सकता है केरल उड़ीसा हो ही नहीं सकता उड़ीसा तो और दूर है तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा भाई कर्नाटक और तमिलनाडु ये याद रखिएगा कावेरी इनके बीच में ये डिस्प्यूटेड भी है लेकिन मेन दो रिवर यही है ये यह याद रखिएगा ठीक चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ पूछा है भाई बिहार का विषाद क्या है बिहार का विषाद किसे कहते हैं बिहार रिवर का विषाद विषाद मतलब वहां से वो है ना कि मतलब सौरव पूछा गया है ठीक है अब वो नोस्ट्रेलजिया लिख दिया है नोस्ट्रेलजिया का मतलब वैसे तो पुरानी यादें वगैरह होता है ठीक है तो यानी हो जाएगा कोसी जैसे दामोदर क्या है बंग, बंगाल का है ठीक है बंगाल का शोक कहते हैं बंगाल का विषाद या बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को और बिहार का क्या कहते हैं कोसी रिवर को तो ये इससे यहां पर बाढ़ वगैरह आ जाती है जो काफी तबाही मचाती है बिहार राज्य में अगला होता तो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है गोदावरी नर्मदा कावेरी इनमें से कोई नहीं है पूरब से पश्चिम का मतलब है कि भाई इधर की तरफ और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको डिस्कस भी किया है ऐसे कौन से नदी है जो वेस्ट में जाएगी रुपेश आपने भी बताया चांदनी प्रणव आपने सी बताया है चलो तो देखते हैं कितने बच्चों के सही आंसर जा रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी हाँ तो देखो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा भाई नर्मदा देखो नर्मदा इधर बहती है और तापी बहती है ऊपर साबरमती बहती है माही बहती है साबरमती माही नर्मदा ताप्ती या तापी ताप्ती, फिर इसके बाद इधर मांडोवी नदी ठीक है इसके बाद इधर जुआरी नदी ये सब नदी किधर बहती हैं, वेस्ट की तरफ बहती हैं, ये सब याद कर लो ये याद रख लीजिए ठीक चलो अगला क्वेश्चन तीर्थस्थल जो ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है यमुना गंगा गोदावरी नर्मदा भाई ऋषिकेश जो है कौन सी नदी के किनारे आपको यह बताना है आ, सभी बच्चे बताओ क्या साउंड प्रॉब्लम है क्या आ, ऐसा कुछ है क्या भाई ये किस बच्चे ने कहा मंटू ने कहा है क्या कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे भाई जल्दी से एक बार कमेंट कर दो क्या साउंड की प्रॉब्लम है क्या देखो तो यहां पर आंसर हो जाएगा गंगा जो ऋषिकेश है वो गंगा नदी के किनारे तो यहां पर सभी बच्चे नो कह रहे हैं तो मंटू बालक थोड़ा सा देखिए क्या इशू है आपके साथ भाई पद्मावती नदी जो है कौन से दो नदियों के संगम से बनती है पद्मावती गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना सतलज झेलम कृष्णा कावेरी ऐसी कौन सी दो नदियां हैं चलो ठीक है तो यहां पर पूछा गया कि पद्मावती नदी जो है वो कौन से दो नदी के मिलने से बन जाती है आपको ये क्वेश्चन करना है तो यहां पर बच्चे आंसर कर रहे हैं कि भाई क्या हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र ठीक है अब एक चीज याद रखना वो इधर से गंगा आती है इधर से ब्रह्मपुत्र आती है सॉरी ये आती है ब्रह्मपुत्र तो देखो ये पूरा बांग्लादेश है क्या है बांग्लादेश है बांग्लादेश तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना क्या बोलते हैं जमुना कहते हैं गंगा को कहते हैं पदमा रिवर बांग्लादेश के अंदर ठीक है ये याद रखिएगा तो ये यहां पर याद रखो कि जो ये दोनों नदियां मिल जाएंगी तो ये नदी बन जाती है पदमा जिसको यहां पर कहा गया है पदमावती नदी आगे बात सुन में तो ये याद रखना कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं गंगा को यहां पर पदमा कहते हैं ठीक है ठीके? आगे ये पदमा बन जाएगी जिसे कहीं कहीं पर मेघना भी कहते हैं ठीक है ठीके? हाँ हंसराज बिल्कुल तो दरअसल मेघना जब मिलती है तो उसे मेघना फिर ये पदमा नाम से आगे चलती है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन वन जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है भाई हम जो वनों के जीव हैं उन्हें है हम क्यों बचाना चाहते हैं क्या रीजन है जीवों को कैद करने के लिए जीवों को पालतू बनाने के लिए जानवरों की सुरक्षा के लिए भाई ऐसा क्या रीजन है बताओ जल्दी से बिल्कुल बहुत सही बिल्कुल बहुत बढ़िया तो यहां पर क्या भाई जानवरों की हम सुरक्षा करना चाहते हैं भाई उनको कैद थोड़ा ना करेंगे कैद करके क्या करोगे कैद करना तो फिर वो तो फिर जू बन जाएगा ना चिड़ियाघर जहां पर उनको कैद करके रखते हैं या फिर पालतू बनाओगे तो घर में रखोगे अगला क्या भाई निम्न में से कौन सा देश का लिखित संविधान नहीं है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया देखो संविधान बच्चों दो तरीके से होता है एक होता है रिटेन एक होता है नॉन रिटन तो जैसे जो आपका इंग्लैंड है इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं पाया जाता है कहीं पर नोट कर लीजिएगा ऐसे अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लिखित संविधान कहां पर नहीं पाया जाता है तो इंग्लैंड में तो वहां पर नहीं पाया जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा ए चलो बहुत बढ़िया यहां पर सभी सही कर रहे हो आंसर अगला क्वेश्चन होता हूं पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था तो देखो भाई 6 अगस्त को गिराया गया था छीस पैतालीस ठीक है उन्नीस दूसरा है 9 अगस्त 1945 ठीक है तो बताओ कहां होगा हाँ, तो यहां पर क्या होगा नागासाकी हो जाएगा दूसरा वाला पहला हो जाएगा हिरोशिमा हो जाएगा ठीक है हिरोशिमा तो पहला वाला लिटिल मैन था दूसरा था फैट बॉय पहला लिटिल मैन था दूसरा फैट बॉय था जो बम गिराया गया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 1945 तक उसी समय की बात है अगला क्वेश्चन चलो तो ये हो गया हिरोशिमा इराक की मुद्रा क्या है भाई रियाल है दिनार है क्या है इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए भाई क्या मुद्रा होगी इराक की देखो जितनी भी कैपिटल है और मतलब कंट्री की कैपिटल और उनकी करेंसी पढ़ लो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में एक क्वेश्चन तो श्योर मिलता है हाँ एक बच्चे ने कहा सर जल्दी जल्दी करा दीजिए ताकि किसी को समझ में ना आए क्यों बालक जल्दी जल्दी करा दें शंभू समंता कह रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी करा दीजिए किसी को समझ ही में ना आए क्या हो जाएगा भाई दिनार हो जाएगा अरे बालक जल्दी जल्दी कराया जाएगा पर समझो जो चीज बोलते हैं उन बोलने में भी आपको आंसर ही मिलता है ठीक है मतलब कुछ सीखने को ही मिलता है बताओ भाई सबसे पहला छाता कौन सा देश ने बनाया आजकल बारिश हो रही है छाते की जरूरत पड़ती है इसलिए हाँ रवि रंजन कह रहे सर एग्जाम कैंसिल हो गया तो तो और अच्छा है पढ़ने का मौका मिल गया है जब होगा अच्छे से पढ़ के दीजिएगा तब तक हम लोग के साथ तैयारी करिए बस आपको वीडियो देखना ही तो है घंटे हाँ तो यहां क्या हो जाएगा चाइना वालों ने बनाया था चाइना वाले हर कुछ ना कुछ किया करते हैं ठीक है तो बारिश हो रही थी छाता बना दिए ताकि भीगे ना कोई चाइना वालों को चैन नहीं आता किसी चीज का सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने में विश्व में कौन सा देश आगे है यानी गोल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है भारत में होगा अमेरिका में होगा चाइना में होगा या इंडोनेशिया में होगा चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो देखते हैं कितना सही जाता है आप लोगों का क्वेश्चन चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा भाई चाइना चाइना समय जो है गोल्ड का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है प्रेजेंट टाइम में ये याद रखिएगा हालांकि ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको डाटा बदल भी सकता है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है महाद्वीप देखो टोटल सात महाद्वीप हैं क्या है सात महाद्वीप हैं आपको बताना कि सबसे छोटा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 34 हाँ तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है यूरोप सेकंड नंबर पर छोटा है सेकंड पर छोटा है यानी ऑस्ट्रेलिया से पहले किसका आएगा यूरोप का आएगा अफ्रीका सेकंड नंबर पर बड़ा है ये याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एशिया सबसे बड़ा है टोटल कितने सात महाद्वीप हैं ओशन कितने हैं तो ओशन बताओगे कि भाई पांच हैं ओशन कितने हैं पांच पैसा पैसा याद रखना प्रशांत महासागर यानी सबसे बड़ा अटलांटिक इंडियन सदर्न और फिर आर्कटिक आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है तो यह कहीं पर लिख लेना प्रशांत महासागर सबसे बड़ा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा तो यह आपका तैयार हो गया हाँ पैसा शब्द याद रखना अगला है भाई क्वेश्चन थर्टी फाइव नंबर का सऊदी अरब की मुद्रा बताइए रियाल है डॉलर है रुपया है या फिर टंका है या टका सॉरी तो टका वगैरह चलता है बांग्लादेश में चलता है बांग्लादेश में चलता है ठीक है हाँ बहुत बढ़िया तो यहां पर देखो भाई आंसर क्या हो जाएगा रियाल हो जाएगा डॉलर मेनली तो यूएसए में पर बहुत सारे देशों में चलता है रुपया इंडिया में भी चलता है पाकिस्तान भी तरफ चलेगा पर उसमें पाकिस्तान में भाई गांधी जी की फोटो नहीं छपी होगी मोहम्मद अली जिन्ना की हो सकती है मोहम्मद अली जिन्ना की होगी हाँ तो यहां पर टका का का हो जाएगा बांग्लादेश का हो जाएगा बांग्लादेश क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स भाई चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है चीनी का कटोरा बाउल ऑफ सुगर बाउल किसे कहा जाता है एनए का प्रीवियस ईयर का पेपर बिल्कुल पेपर बिल्कुल करवा दिया जाएगा डोंट वरी करवा देते हैं ठीक है पेपर करवा दिया जाएगा डोंट वरी हाँ शंभु समंता वैसे तो क्वेश्चन हमने लगभग हजारों क्वेश्चन करवा दिया होगा अगर आप सारे वीडियो देख लो तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाया है ठीक है ये 52 नंबर की क्लास है 52 में से 45 डेज हमारी क्लास हुई है या आप सीधे सीधे 40 डेज भी ले लेते हो तब भी आप सोचो रोज पचास पचास क्वेश्चन करवा रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई यहां पर हो जाएगा क्यूबा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूबा आंसर हो जाएगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है हाँ मैराथन क्लास ठीक है पर जो डेली चले बच्चों वो भी करिए मैराथन क्लास भी लगा दी जाएगी पहले तो जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज समझ ली जाए है ना करवा दी जाएगी डोंट वरी आप ही लोगों के लिए तो हो रहा है पर जो अभी चीज पढ़ा रहे हैं बच्चों वो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए फिर करवा दिया जाएगा आप ही लोगों के लिए है ना आर्मी स्टडी आपकी बात सुन ली है अच्छा सब मुझसे बनता कह रहे सर सारी क्लास देख ली है अरे इतने सारे प्रैक्टिस कर लिए हो ना क्वेश्चन बाहर नहीं होगा डोंट वरी अमेरिका रूस चाइना फ्रांस ब्रिटेन है ना तो ये याद रखिएगा ये इसके क्या है स्थाई मेंबर है यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा ऑलमोस्ट सभी बच्चे यहां पर सही आंसर दे रहे हो अगला क्वेश्चन बताओ नाटो की स्थापना कब हुई थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम क्या है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा टोटल क्वेश्चन का रिवीजन करा दीजिए अच्छा ठीक है करा दिया जाएगा डोंट वरी हाँ, तो या, अरे नहीं उन्चास वगैरह में यहां रखो ये पहला ए ऑप्शन है पचास पचहत्तर ये सब नहीं होगा उन्चास ही होगा यानी ए ऑप्शन अगला क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे सबसे बड़ा बड़ा देश देश कौन सा भाई सबसे बड़ा देश बताओ चलो तो छोटा तब तक हम बता देते हैं बड़े देश के लिए कमेंट करो छोटा है वेटिकन सिटी छोटा क्या है वेटिकन सिटी है हा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टी आर टीवाई ट्रीटी हाँ, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा भाई रशिया सबसे बड़ा देश है क्या आ जाएगा रशिया सबसे बड़ा देश है अगला है अंतरिक्ष में पहला जीव जो है कुतिया यानी कि एक डॉग भेजा गया था उसका नाम क्या है आपसे पूछा जाता है उसका नाम क्या था लाइका या जूली तीसरा है सेमिना या लूसी इनमें से क्या नाम था जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर चालीस चलो भाई बहुत बढ़िया तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा लाइका हो जाएगा क्या हो जाएगा लाइका नाम की कुतिया भेजी थी और सबसे पहले को कौन लोग भेजे थे ये युसे, ये यूएसएसआर वाले भेजे थे यानी रशिया वाले तब ये यूएसएसआर था यानी रूस वाले भेजे थे ये याद रखिएगा आगे बात समझ में तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट आपके फोर्टी क्वेश्चन थे ठीक है आज कम क्वेश्चन जान के रखे थे क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ हमें पहले कहीं जाना है कुछ काम है इसीलिए पर आपकी क्लास का नुकसान ना हो इसलिए हमने आपको चालीस क्वेश्चन कराए थे नेक्स्ट डे हम लोग सिक्सटी क्वेश्चन रख लेंगे ठीक है तो सभी बच्चे बताओ भाई इंजॉय किए आपको मजा आई इतने ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे हाँ तो शंभू जी जो पच्चीस को एग्जाम है आप क्या करिए जो वॉरियर डिफेंस अकेडमी पे हमने एक दो दिन मैराथन क्लास ली है तीन तीन घंटे की वो दोनों वीडियो देख लीजिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आपको इसमें कोई डाउट नहीं आप सब क्वेश्चन कर ले जाओगे वहां से ठीक है तो मैथ की क्लास देखिए दीपक सर बिल्कुल कर, करवा देंगे अरे बच्चों आपके साथ हम लोग टीचर का सभी स्टाफ का सभी बच्चों पर आशीर्वाद हमेशा है बस अच्छे से पढ़ो लिखो जहां पर दिक्कत है आप बताइए और वो चीज आपको क्या है करवा दी जाएगी पर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी लास्ट के वीडियो हैं वो देख लो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे डोंट वरी हाँ मैथ की क्लास होगी बालक एम दया आपका जो भी नाम है आप मैथ की भी क्लास कराई जाएगी हाँ भाई रेसर रवि रंजन एग्जाम कैंसिल हो गया है ये सुन लिया है ठीक है तो वहां पर हमने एयरफोर्स के लिए मैराथन क्लास कराई है डिफेंस पे तो वो दो वीडियो जाके देख लो दो दिन मैंने तीन तीन घंटे की क्लास ली है वो देख लो आपके आर्मी जीडी के लिए रामबाड़ है ठीक है आप ही लोगों को आ जाएगा पूरा तो चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ तब तक की अच्छे से पढ़ते रहो एंजॉय करिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तब तक के लिए बच्चों जय हिंद